हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे एमपीसी क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कंजम्पशन फंक्शन या उसको अपन कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें अपन ने एपीसी भी कवर किया था। आज की वीडियो में अपन एमपीसी कवर करेंगे। एपीसी में और एमपीसी में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन एमपीसी से। एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था एपीसी क्या होता है, अभी अपन देखेंगे एमपीसी क्या होता है। एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जैसे आपकी इनकम चेंज हुई, ठीक है। मतलब जैसे अगर जैसे अपन मान सकते हैं आपकी इनकम पहले थी 100 रुपीस, फिर अपनी इनकम चेंज होके क्या हो गई, 200 रुपीज़ हुई। तो इसके अंदर जो चेंज है वो कितना है, 100 रुपीज़ का चेंज है। तो ये क्या है, 100 रुपीज़ का चेंज है। उसकी वजह से चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ। तो जैसे अगर पहले कंजम्पशन हो रहा था 50 रुपीज़ का, अब कंजम्पशन हो रहा है जैसे 200 रुपीज़ हुई तो हो गया 80। तो ये इसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, 30 का इसके अंदर चेंज हो रहा है। मतलब 100 रुपये इनकम बढ़ने की वजह से कंजम्पशन में चेंज कितना आया, 30 रुपीज़ का चेंज आया। मतलब 30 रुपीज़ इनकम बढ़ गई। तो ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मतलब चेंज इन इनकम की वजह से चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखो, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये कैसे कैलकुलेटेड होती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन कंजम्पशन। मतलब चेंज इन कंजम्पशन यानी डेल्टा कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, डीसी, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, डेल्टा सी, बाय द चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। और अपन क्या कर सकते हैं, चेंज इन मतलब डेल्टा वाई, और क्या कर बोल सकते हैं इसको, डेल्टा वाई। इन दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब अपन डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन जो हुआ वो अपॉन चेंज इन इनकम कर दे तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा एमपीसी, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब उसने चेंज इन इनकम होने की वजह से कितना कंजम्पशन में चेंज किया। एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल में अपन ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इनकम क्या थी, 0 थी और कंजम्पशन कितना था, 40 था। अब इनकम क्या हो गई, मान लो 100 हो गई और कंजम्पशन कितना हो गया, 120 का हो गया। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करें, चेंज इन इनकम कितना है, 100 है, 0 से 100, और चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 80 का। तो अपन को क्या करना है, चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 80 ऊपर रखते हैं, 100 कितने नीचे रखते हैं, 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 0.8। तो 0.8 क्या है, ये है एमपीसी। ये क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा। अगर अपन इसको परसेंटेज में लें तो कितना परसेंट यूज़ कर लिया उसने चेंज इन इनकम का, तो इंटू क्या करेंगे, 0.8 इंटू 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो 80% उसने क्या कर दिया, कंजम्पशन और बढ़ा दिया। मतलब अगर इनकम में जितना भी चेंज हुआ उसका 80% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर कर दिया, किस पे, कंजम्पशन पे। तो वो क्या हो जाएगा, अपना एमपीसी हो जाएगा। समझ गए अपन इस बात को, और क्या कह सकते हैं इसको, एमपीसी इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन इनकम दैट गेट स्पेंड ऑन कंजम्पशन। मतलब एमपीसी क्या है, वो प्रोपोर्शन है इनकम का जो अपन ने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, वो हो जाएगा अपना एमपीसी। आगे चलते हैं, अपन इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या बनाएंगे अपन, सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस टेबल में सब कुछ ही बना देता हूँ मैं। इसमें अपन एपीसी और एमपीसी दोनों ले लेंगे, जो आपके दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन वाई यानी इनकम, फिर अपन लेंगे कंजम्पशन, फिर अपन लेंगे डेल्टा सी, फिर अपन लेंगे डेल्टा वाई, फिर अपन लेंगे एमपीसी, और अपन फिर ले लेंगे एपीसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब वैल्यूज रखते हैं, इनकम देते हैं 0, 100, 200, 300, 400 और 500। ये अपन ने क्या रख कर ली, वैल्यू लिख ली। कंजम्पशन की लिखते हैं अपन, कंजम्पशन करते हैं, 40 से स्टार्ट किया था, फिर 120, फिर 200, फिर 280, फिर अपन ने लिया था 360, फिर अपन ने लिया था 450,
40, ये अपना हो गया कंजम्पशन हो गया। अपन ने देखा है ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये किस में से आ रहा है, सेविंग में से आ रहा है, उसको अपन डिससेविंग बोलते हैं। वो अभी अपन कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो अपन सिर्फ कंजम्पशन ले रहे हैं, सेविंग को इग्नोर कर रहे हैं। जब अपन सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे तब उसमें सेविंग का इंक्लूड कर देंगे। फिर अपन आगे देखते हैं डेल्टा सी कितना है। अपन डेल्टा सी या डेल्टा वाई कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपन को ये करना हो तो न्यू सी माइनस न्यू सी यानी न्यू कंजम्पशन माइनस ओल्ड कंजम्पशन, ठीक है। और अगर इनकम निकालनी हो तो न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, तो अपना क्या निकल जाएगा, डेल्टा सी निकल जाएगा और डेल्टा वाई निकल जाएगा। दोनों का डेल्टा निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या है 40 है, इससे पहले कुछ नहीं था, डैश कर देते हैं। फिर अपन ने कितने का चेंज लिया, 80 का चेंज लिया। फिर यहाँ पे भी कितने का चेंज है, 80 का चेंज और लास्ट 80 का चेंज। अपन ने ये सारे चेंज ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं अपन, फिर डेल्टा वाई की बात करते हैं। तो डेल्टा वाई में क्या लिया अपन ने, सबसे पहले जीरो है, जीरो का जीरो आ जाएगा या फिर डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेंज कितने का है, 100 का, 100 लिख दिया अपन ने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपन को। आगे चलते हैं अपन, फिर अगर अपन एमपीसी निकाल रहे हैं, एमपीसी का फॉर्मूला देखा था अपन ने, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करते हैं अपन। क्या करना है यहाँ पे, तो डैश कर दो, फिर 80 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। समझ गए अपन, यहाँ पे लिख देते हैं 0.8 सेम है सर, इसलिए ठीक है, ये अपना एमपीसी निकल गया। फिर अपन बात करते हैं एपीसी की, एपीसी निकाल लेते हैं। फर्स्ट कुछ नहीं है, फिर अपन ने क्या निकाला, यहाँ पे निकल जाएगा एपीसी का पहले फॉर्मूला देख लो, एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। एमपीसी में सिर्फ डेल्टा लग जाएगा, मतलब चेंज लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0.96 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.88 अप्रॉक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने निकाल लिया एमपीसी भी और एपीसी भी। इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, अपन ने लिया था कंजम्पशन में चेंज कांस्टेंट लिया था, मतलब 80-80 का ही चेंज लिया था, इसलिए एमपीसी भी क्या आया, कांस्टेंट आया। अब अपन बात करते हैं एक चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, अपन कोई कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपन को क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। अब जैसे क्या हुआ, आपको पहले इनकम मिल रही थी 100, अब इनकम कितनी हो गई, 200 हो गई, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया, चेंज इन इनकम हो गया 100, ये अपना चेंज इन इनकम हो गया। समझ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। अब अपन क्या कर सकते हैं, या तो इस चेंज इन इनकम को पूरा कंज्यूम कर सकते हैं, समझ रहे हैं अपन बात को, या तो इसको पूरा कंज्यूम कर लो कि 100 रुपीज मिले आपको एक्स्ट्रा, चेंज 100 रुपीज का हुआ, या तो वो आप 100 रुपीज पूरे कंज्यूम कर लो यानी पूरा एक्सपेंडिचर कर दो, और या तो पूरे 100% बचा लो और कंजम्पशन जीरो का करो, मतलब कुछ नहीं लो उस इनकम से, मतलब उस चेंज इन इनकम से आपको कुछ नहीं लेना। समझ गए अपन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजम्पशन कुछ करोगे नहीं, कंजम्पशन आप करोगे, बाकी ये जो चेंज आया है इनकम में 100 रुपीज़ का चेंज, इसकी वजह से कोई कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं होगा, मतलब आपने कंजम्पशन आपकी पहले वाली इनकम वाला ही रखा, उसमें चेंज नहीं किया, तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अपन ये करते हैं तब अपन को अगर एमपीसी निकालना हो तो क्या हो सकता है, चेंज इन इनकम तो क्या है 100 है, 100 में से अगर अपन ने 100 खर्च कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा, यानी एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। और अगर अपन ने एमपीसी निकालना हो, अगर कंजम्पशन 0 का किया हो, चेंज इन इनकम क्या है 100 है, तो अगर अपन निकालें तो एमपीसी क्या आएगा, गैस करो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपना एमपीसी क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, समझ गए अपन। और एपीसी को अपन ने देखा था, एपीसी का अपन ने क्या देखा था,
कि वो जीरो कभी हो नहीं सकता, वन से ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी एमपीसी कभी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कभी ये देख सकते हो क्या कि इनकम मिली 100 और उसने 150 रुपीज़ खर्च कर दिए? ऐसा अपन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, मतलब अबाउट एमपीसी पढ़ते हैं। क्या होता है वो अबाउट एमपीसी? वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1। अपन क्या कह सकते हैं, एमपीसी बराबर 1 भी हो सकता है, एमपीसी बराबर 0 भी हो सकता है, और एमपीसी मोर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, और लेस देन 1 और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये चीज़ एमपीसी हो सकती है, मतलब 1 के बराबर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से कम या 0 से ज़्यादा हो सकती है, इसके बीच में कहीं भी आ सकती है। जैसे ये 0.1 हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, बाकी 1.1 ये कभी नहीं हो सकता। समझ गए अपन बात को, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपनी इनकम अगर 100 है तो अपन 120 का खर्चा नहीं करेंगे, इसलिए। समझ गए अपन। अब अपन बात करते हैं एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। अपन क्या बात करते हैं, एमपीसी ऑफ पुअर मतलब पुअर की एमपीसी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, रिच से। अपन इसका एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पुअर है और यहाँ पर रिच है, रिच की इनकम है 1 लाख, पुअर की इनकम है 1000। अब अपन देखते हैं उसको खर्चा भी करना है, तो ये इसमें से लगभग अगर इसको घर पे सामान लेके जाना है, कुछ भी करना है, तो मान लो ये क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खर्चा करे भी तो ये 500 का खर्चा कर देगा, अपन मान के चलते हैं, कम से कम मानते हैं। अब अगर रिच पर्सन को घर पे कोई सामान लेके जाना है, उसकी 1 लाख रुपीज़ इनकम है, तो क्या वो 50,000 का सामान ले जाएगा क्या? ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर एसेंशियल सामान की बात करें तो उसके इतने पैसे नहीं लगेंगे, उसके मैक्सिमम अगर अपन माने तो वो 10,000 में भी अपना काम ख़त्म कर देगा, जो भी उसको लाना है एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वो चीज़ वो ले आएगा। तो इस वजह से अगर अपन मान के चलें कि 10,000 अगर अपन डिवाइड करें किससे, 1 लाख से, तो अपन को क्या देखने मिलेगा, काटते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा 0.1। मतलब इसने क्या किया, 0.1 का ही एक्सपेंडिचर किया, मतलब एमपीसी क्या हुई इसकी, 0.1 हुई। और अगर इसको परसेंटेज में निकाले तो परसेंटेज कितना निकलता है इसका, 10% परसेंटेज निकलता है, इनटू 100 करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, देख लो इसको। तो इससे क्या निकल जाएगा, रिच का एमपीसी निकला, रिच का एमपीसी कितना हुआ, 0.1 यानी 10% हुआ। अगर अपन पुअर के एमपीसी की बात करें तो 500 अपॉन कितना करना है, 1000 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो। फिर अगर अपन देखें 0.5 आ रहा है, अगर 0.5 इंटू 100 करें तो क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। मतलब उसको जितनी भी चेंज इन इनकम हुई, अगर उसने वो एक्सपेंडिचर किया तो उसकी 50% इनकम क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, मतलब कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। इस वजह से अपन क्या कह सकते हैं, पुअर की एमपीसी ज़्यादा होती है, यहाँ पे थी 0.5, और रिच की एमपीसी क्या होती है, कम होती है, जैसे यहाँ पे थी 0.1, ऐसे अपन इसको मानते हैं। फिर अपन देखते हैं एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अब अपन बात करते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी, ये तो अपन ने थोड़ा छोटा सा सिनेरियो दिया जिसके अंदर अपन ने देखा एमपीसी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। अगर अपन ऐसा बात नहीं माने, अपन देखते हैं कि यार इंक्रीज होती जा रही है, इनकम इंक्रीज होती जा रही है उसकी, जैसे 1000 रुपये से चल रही है और इसकी रेगुलर इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, तो एक टाइम पे उसकी 1 लाख तो आएगी ना, वो भी एक टाइम पे रिच बनेगा। अब जैसे वो रिच बनेगा, तो जैसे जैसे वो रिच बनेगा, जैसे जैसे वो ज़्यादा कमाएगा, तो उसकी एमपीसी क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम होने लग जाएगी। इसलिए अपन बात करते हैं एमपीसी भी गिरता है, बाकी एमपीसी क्या कर गिरता है, ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, किसके कंपेयर में, एपीसी के कंपेयर में। मतलब अगर एपीसी गिर रहा है तो एमपीसी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, ये एपीसी हो जाएगा और ये एमपीसी हो जाएगा। इसका ग्राफ मैं आपको एक बार यूँ छोटा सा बता देता हूँ, क्या हो सकता है कि अगर ये ग्राफ है, अगर अपन बात करें तो अगर ये एपीसी है तो ये हो सकता है एमपीसी, मतलब तेज़ी से गिरता है, ठीक है। अब अगर अपन इसी का ही एक बार ग्राफ देखें, कंजम्पशन का ग्राफ देखते हैं, तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि एमपीसी
और एपीसी क्या होता है, ये क्या हो जाएगा कंजम्पशन हो जाएगा, ये क्या है कंजम्पशन का है। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं इस पॉइंट की, ये पॉइंट ई, तो अगर अपन इस पॉइंट पे निकाले, यहाँ पे इनकम है 100, यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन है कितने का 20 का, तो अगर अपन को इस पॉइंट का पूछे तो अपना क्या निकलता है एपीसी निकलता है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे भी कुछ होगा 50 और यहाँ पे 10, अगर इस बार इस पॉइंट की भी बात करें ई माइनस 1 की, तो ये भी क्या हो जाएगा एपीसी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या हुए एपीसी हुए, एपीसी हुए। अब अगर अपन बात करते हैं एमपीसी की, तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी ये होगा, ये चेंज इन इनकम की वजह से चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ है, ये क्या है चेंज इन कंजम्पशन है और ये है चेंज इन इनकम, तो ये चीज अपन इस पे बता सकते हैं। यहाँ पे वाई लेंगे, यहाँ पे एक्स लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी इनकम हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंजम्पशन शो कर देंगे। आपको इतने जरूरी नहीं है कि आप एक घर बनाओ कंजम्पशन का, आप इसको छोड़ भी सकते हो, बस मैं आपको एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर अपन बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस मेन देख लो, यहाँ पे क्या है एपीसी और यहाँ पे है एमपीसी। अगर अपन डिफरेंस लेते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं एपीसी क्या बताता है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ा, वो क्या है एपीसी है, मतलब जैसे अगर अपनी इनकम बढ़ी तो एवरेज अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा उस इनकम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा एपीसी हो जाएगा, और इसको कैसे लिखते हैं सी अपॉन वाई। एमपीसी क्या बताता है, चेंज इन इनकम की वजह से चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, वो क्या है एमपीसी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये हो गया पहला। फिर अपन बात करते हैं एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है, और एमपीसी की वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एपीसी इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, मतलब एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, बाकी एमपीसी कैन बी 0, मतलब 0 के बराबर हो सकता है एमपीसी, ये अपन ने देखा। फिर अपन बात करते हैं, फिर अपन देखते हैं एपीसी डिक्रीज स्लोअर देन एमपीसी, एपीसी डिक्रीज होता है, बाकी क्या होता है स्लो डिक्रीज होता है, और अगर एमपीसी की बात करें तो एमपीसी डिक्रीज मोर देन एपीसी, मतलब अगर एमपीसी डिक्रीज होता है तो वो एपीसी से ज़्यादा स्पीड में डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, आज की वीडियो में अपन ने देखा एमपीसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी, उसका फॉर्मूला देखा, फिर अपन ने देखा टेबल ऑफ एमपीसी, फिर अपन ने देखा अबाउट एमपीसी, फिर अपन ने देखा डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, थोड़ा सा अपने इसका भी ओवरव्यू ले लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।